यार असल में ना मेरी अब उम्र हो गई है शादी की, तो मेरी अम्मी ढूंढ रही है मेरे लिए। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि ब्रेकअप के बाद पहली दफ़ा उमर भट्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आ गए हैं और लाइव आकर उन्होंने बता दिया है कि वो कब शादी करने वाले हैं। दिखाएंगे कि साथ ही साथ ना सिर्फ उमर भट्ट ने अपनी शादी का ऐलान किया बल्कि साथ ही साथ जुनैद मिर्ज़ा और कैंडल के रिलेशनशिप पर भी बोल उठे। इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर की जाएगी, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ऐसे मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार असल में ना मेरी अब उम्र हो गई है शादी की। अभी फ़िलहाल तो सिंगल ही हूँ और मुझे ना मतलब अब इतनी जल्दी किसी पे एतबार नहीं होता, तो मेरी अम्मी ढूंढ रही है मेरे लिए। खैर लेकिन हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे ना वो लोग इंतहाई बुरे लगते हैं जिसे ना अल्लाह ताला ने अच्छा भला लड़का बनाया होता है और वो फेमस होने के चक्कर में ना लड़की बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब यार किस किस्म की बेगैरती है, कौन सा कीड़ा आपके अंदर के आपको ना जो मर्दानगी से दूर कर रहा है। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आती मतलब क्यों यार, अल्लाह ने आपको अच्छा बोला लड़का बनाया, आप क्यों लड़की बांध रहे हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी बात जानते हैं कि उमर भट्ट और जुनैद मिर्ज़ा के ब्रेकअप को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और ब्रेकअप के बाद दोनों अभी तक सिंगल हैं। जुनैद मिर्ज़ा के जब अपनी सिस्टर सहर मिर्ज़ा की शादी पर कैंडल के साथ इतनी ज़्यादा डांस की और भी बहुत सी वीडियो सामने आई तो फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि शायद वाकई कैंडल और जुनैद मिर्ज़ा में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। और इस पर उमर भट्ट का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उमर भट्ट का कहना था कि अगर जुनैद मिर्ज़ा ने उनके साथ बुरा किया है तो उसके खुद के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है और कैंडल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाद में कैंडल का कहना था कि उन्होंने सहर मिर्ज़ा की शादी में बिल्कुल उनके भाइयों की तरह एंट्री की है। दूसरी ही जानब फैंस उमर भट्ट से भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें भी शादी कर लेना चाहिए, तो उमर भट्ट का कहना था कि अभी तक उनकी वो तो अपनी शादी की एज को तो पहुंच चुके हैं लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसके साथ वो शादी कर सकें। उनकी वालिदा भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल देख रही हैं। सोशल मीडिया पर उमर भट्ट का कैंडल और उनकी शादी के हवाले से आने वाला यह बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।